सिंहासन 32 की यह तीसरी कड़ी है और तीसरा भाग है। इससे पहले हमने जो है दो भाग और तैयार किया था। 21वीं पुतली चंद्र ज्योति नामक 21वीं पुतली की कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है। एक बार विक्रमादित्य एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। चंद्रदेव को आमंत्रण देने कौन जाए इस पर विचार करने लगे। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंत्री ही इस कार्य के लिए सर्वोत्तम रहेंगे। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर उनसे विमर्श करना शुरू किया। तभी महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य कोई बहुत ही गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उसके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर से अलग जाकर कुछ पूछा। जब नौकर ने कुछ बताया तो उनका चेहरा उतर गया और वे राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री के अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कि अवश्य महामंत्री को कोई कष्ट है। उन्होंने नौकर से कुछ उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बढ़ जाएगा और जो यज्ञ होने वाला है उसमें व्यवधान होगा। राजा ने कहा कि महामंत्री उनके बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और उनका भी कर्तव्य है कि उनके कष्ट का हर संभव निवारण करें। तब नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री बहुत लंबे समय से बीमार है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई पर कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं साबित हुई। दुनिया की हर औषधि उसे दी गई पर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह हिल डुल नहीं सकती और मरणासन्न हो गई है। विक्रमादित्य ने जब यह सुना तो व्याकुल हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और जानना चाहा कि उसने महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा की है या नहीं। राजवैद्य ने कहा कि उसकी चिकित्सा केवल खुआंग बूटी से की जा सकती है, दुनिया की अन्य कोई औषधि कारगर नहीं हो सकती। खुआंग बूटी एक बहुत ही दुर्लभ औषधि है जिसे ढूंढ कर लाने में कई महीने लग जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर कहा, तुम्हें उस स्थान का पता है जहाँ यह बूटी मिलती है। राजवैद्य ने बताया कि वह बूटी नील रत्नागिरी की घाटियों में पाई जाती है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। रास्ते में भयंकर सांप बिच्छू तथा हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। राजा ने सुनकर उससे उस बूटी की पहचान बताने को कहा। राजा ने बताया कि वह पौधा आधा नीला आधा पीला फूल लिए होता है तथा उसकी पत्तियाँ लाजवंती के पत्तों की तरह स्पर्श से सकुचा जाती हैं। विक्रम यज्ञ की बात भूलकर खुआंग बूटी की खोज में जाने का निर्णय कर बैठे। उन्होंने तुरंत काली के दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें आनंद फानन में नील रत्नगिरी की ओर ले चढ़े। पहाड़ी पर उन्हें उतार कर बेताल अदृश्य हो गए। राजा घाटियों की ओर बढ़ने लगे। घाटियों में एकदम अंधेरा था, चारों ओर घने जंगल थे। राजा बढ़ते ही रहे, एकाएक उनके कानों में सिंह की दहाड़ पड़ी। वे संभल पाते इसके पहले ही सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर खुद को बचा लिया, मगर सिंह उनकी एक बांह को घायल करके करने में कामयाब हो गया। सिंह दोबारा उन पर झपटा तो उन्होंने भरपूर प्रहार से उसके प्राण ले लिए। उसे मारकर जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में सैकड़ों बिजधर दिखे। विक्रम तनिक भी नहीं घबराए और उन्होंने पत्थरों की वर्षा करके सांपों को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद वे आगे की ओर बढ़ चले। रास्ते में एक जगह इन्हें लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक दैत्याकार अजगर दिखा। वो समझ गए कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जब ही वो अजगर के पेट में पहुंचे कि उन्होंने अपनी तलवार से अजगर का पेट छीर दिया और बाहर आ गए। तब तक गर्मी और थकान से उनका बुरा हाल हो गया था, अंधेरा भी घेर आया था। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर विश्राम किया। जब ही सुबह हुई वे खुआंग बूटी की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उसकी खोज में इधर उधर भटकते
न जाने कब शाम हो गई और अंधेरा छा गया। अधीर होकर उन्होंने कहा, कहा चंद्रदेव मदद करते। इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया, घाटियों में जैसी चांदनी फैल गई, अंधकार न जाने कहाँ गायब हो गया, सारी चीजें ऐसी साफ दिखने लगी मानो दिन का उजाला हो। थोड़ी दूर बढ़ने पर ही उन्हें ऐसे पौधे की झाड़ी नजर आए जिस पर आधे नीले आधे पीले फूल लगे थे। उन्होंने पत्तियां छुई तो लाजवंती की तरह सकुचा गई। उन्हें संशय नहीं रहा, उन्होंने क्वांग बूटी का बड़ा सा हिस्सा काट लिया। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि दिन जैसा उजाला हुआ और चंद्रदेव सशरीर उनके सम्मुखा खड़े हुए। विक्रम ने बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को जिला सकता है। उनकी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर वे खुद अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि उनके ऐसा शरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधेरा फैल जाएगा, इसलिए वे उनसे अपने यज्ञ में उपस्थित होने की प्रार्थना नहीं करें। उन्होंने विक्रम को यज्ञ अच्छी तरह संपन्न कराने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। विक्रम क्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आए। उन्होंने अमृत की बूंदे टपका कर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा क्वांग बूटी जनित के लिए रख लिया। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। 22वीं पुतली अनुरोधवती नामक 22वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सत्य कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते तथा स्पष्ट वाचिकता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण की उनके यहाँ कोई कद्र नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके द्वार तक आ पहुँचा। दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वह युवक बहुत ही गुणी था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वह दुष्ट घृष्ट नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था तभी उसके कान में वादन का स्वर पड़ा और वह बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। साजिंदा गलत राग बजाया जा रहा है लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा है। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपाल को स्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभाल कर टिप्पणी करने को कहा। उसने जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और वे बहुत बड़े कला पारखी हैं, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं मगर कला पारखी नहीं, क्योंकि साजिंदे का दोषपूर्ण वादन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने यह भी बता दिया कि वह साजिंदा किस तरह बैठा हुआ। अब द्वारपाल से नहीं रहा गया। उसने उस युवक से कहा उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच साबित नहीं हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा तथा बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वह हर दंड भुगतने को तैयार है अगर यह बात सच नहीं साबित हुई। द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कानों तक यह बात पहुंची। विक्रम ने तुरंत आदेश किया कि वही युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रम के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहाँ एक वादक की उंगली दोषपूर्ण है, उस ओर बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कारण कायल हो गया। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वह युवक सचमुच बड़ा ज्ञानी और कला मर्मज्ञ था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ और कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह नवयुवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नर्तकी बहुत ही सधा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर आस्वादन कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक भौंरा आकर उसके बक्ष पर बैठ गया। नर्तकी नृत्य नहीं रोक सकती थी और न ही अपने हाथों से भौंरे को हटा सकती थी क्योंकि भंगिमाएं गड़बड़ हो जाती। उसने बड़ी चतुरता से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे वेग से भौंरे पर छोड़ दी। अनायास निकले सांस के झोंके से भौंरा डर कर उड़ गया। क्षण भर की इस घटना को कोई भी न ताड़ सका मगर उस युवक की आंख ने
सब कुछ देख लिया। वाह 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 करते उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। विक्रम को भी यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को इस धृष्टता के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भावरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भी भंगिमा को नष्ट किए लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए इस नर्तकी ने जिस सफाई से भौरे को उड़ाया वह पुरस्कार योग्य चेष्टा थी। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान गया ही नहीं तो पुरस्कार कैसे मिलता। विक्रम ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। विक्रम का क्रोध गायब हो गया और उन्होंने नर्तकी की तथा उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की। अब उनकी नज़र में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। जब भी वह कोई समाधान ढूंढना रहता उसकी बातों का ध्यान से सुना जाता तथा उसके परामर्श को गंभीरतापूर्वक लिया जाता था। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर वह युवक उनसे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई मैत्रक नहीं हुआ तो विक्रम ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल में गूंगी और बहरी नौकरानियां नियुक्त की। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों की देखरेख में छोड़ दिया गया। उनमें से एक युवक एक महामंत्री एक कोतवाल का तथा एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष पश्चात जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तो विक्रम ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो है? चारों ने अलग अलग जवाब दिया। राजा के पुत्र ने सब कुशल हैं कहा, जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नसर बताते हुए कहा, आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी नेफराक की होती है, ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेनामी है। सबसे अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाब को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कुतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ, सबका पालन पोषण एक वातावरण में हुआ था, लेकिन सबके विचार में अपने संस्कारों के अनुसार भिन्नता आ गई थी। सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है। 23वीं पुतली धर्मवती ने इस प्रकार कथा कही। एक बार राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में दरबारियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। बहस का अंत नहीं हो रहा था क्योंकि दरबारियों के दो गुट हो चुके थे। एक कहता था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है क्योंकि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्म का फल होता है, अच्छे संस्कार मनुष्य में वंशानुगत होते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा हो जाता है उसका व्यवहार भी राजाओं की तरह होता है। कुछ दरबारियों का मत था कि कर्म ही प्रधान है, अच्छे कुल में जन्म व्यक्ति भी दुर्व्यसनों के आदि हो जाते हैं और मर्यादा के विरुद्ध कर्म में लीन होकर पतन की ओर चले जाते हैं। अपने दुष्कर्मों और दुराचार के चलते कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते और सर्वत्र तिरस्कार पाते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि मूल संस्कार नष्ट नहीं हो सकते हैं, जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी अपने गुण नहीं खोता, गुलाब कांटों पर पैदा होकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता और चंदन के वृक्ष पर सर्पों का वास होने से भी चंदन अपनी सुगंध और शीतलता बरकरार रखता है, कभी भी विषैला नहीं होता। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों द्वारा अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहे, कोई भी अपना विचार बदलने को राजी नहीं था। विक्रम चुपचाप उनकी बहस का मजा ले रहे थे। जब उनकी बहस बहुत आगे बढ़ गई तो राजा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि वे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि जंगल से एक सिंह का बच्चा पकड़ कर लाया जाए। तुरंत कुछ शिकारी जंगल गए और सिंह का नवजात शावक उठा कर ले आए। उन्होंने एक गडेरियों को बुलाया और उसे नवजात शावक को बकरी के बच्चे के साथ साथ पालने को कहा। गडेरिये की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश मानकर वह शावक को ले गया। शावक की परवरिश
बकरी के बच्चे के साथ होने लगी। वहाँ भी भूख मिटाने के लिए बकरियों का दूध पीने लगा। जब बकरी के बच्चे बड़े हुए तो घास और पत्तियाँ चरने लगे। साहु भी पत्तियाँ बड़े चाव से खाता। कुछ और बड़ा होने पर दूध तो वह पीता रहा, मगर घास और पत्तियाँ चाकर भी नहीं खा पाता। एक दिन जब विक्रम ने उस सावक का हाल बताने के लिए बुलाया तो उसने उन्हें बताया कि शेर का बच्चा एकदम बकरियों की तरह व्यवहार करता है। उसने राजा से विनती की उसे सावक को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सावक को अब घास और पत्तियाँ अच्छी नहीं लगती है। विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दूध पर उसका पालन पोषण किया जाए। गड़ेरिया उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि महाराज एक मांसभक्षी प्राणी को शाकाहारी बनाने पर क्यों तुले हैं। वह घर लौट आया। सावक जो कि अब जवान होने लगा था सारा दिन बकरियों के साथ रहता और दूध पीता। कभी कभी बहुत अधिक भूख लगने पर घास पत्तियाँ भी खा लेता अन्य बकरियों की तरह। जब शाम में उसे दड़पे की तरफ हाँका जाता तो चुपचाप सर झुकाए बढ़ जाता था तथा बंद होने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता था। एक दिन जब वह अन्य बकरियों के साथ चर रहा था तो पिंजरे में बंद एक सिंह को लाया गया। सिंह को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी। वह भी उनके साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके पास राजा ने गड़ेरियों को उसे स्वतंत्र रूप से रखने को कहा। भूख लगने पर उसने खरगोश का शिकार किया और अपनी भूख मिटाई। कुछ दिन स्वतंत्र रूप से रहने पर वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा, लेकिन गड़ेरिए के कहने पर पिंजरे में शांतिपूर्वक बंद हो जाता। कुछ दिन बाद उसका बकरियों की तरह भीरू स्वभाव जाता रहा। एक दिन जब फिर से उसी शेर को जब उसके सामने लाया गया तो वह डर कर नहीं भागा। शेर की दहाड़ उसने सुनी तो वह भी पूरे स्वर से दहाड़ा। राजा अपने दरबारियों के साथ सब कुछ गौर से देख रहे थे। उन्होंने दरबारियों को कहा कि इंसान में मूल प्रवृत्तियाँ शेर के बच्चे की तरह ही जन्म से होती है। अवसर पाकर प्रवृत्तियाँ स्वतः उजागर हो जाती, जैसे कि सावक के साथ हुआ। बकरियों के साथ रहते हुए उसकी सिंह वाली प्रवृत्ति छिप गई थी, मगर स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर अपने आप प्रकट हो गई। उसे यह सब किसी ने नहीं सिखाया, क्यों लेकिन मनुष्य का सम्मान कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी सहमत हो गए, मगर एक मंत्री राजा की बातों से सहमत नहीं हुआ। उसका मानना था कि विक्रम राजकुल में पैदा होने के कारण ही राजा हुए हैं, अन्यथा 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी राजा नहीं होते। राजा मुस्कुराकर रह गए। समय बीतता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक सुंदर फूल लेकर उपस्थित हुआ। फूल सचमुच विलक्षण था और लोगों ने पहली बार इतना सुंदर लाल फूल देखा था। राजा फूल के उद्गम स्थल का पता लगाने भेज दिया। वे दोनों उस दिशा में नाव से बढ़ते गए जिधर से फूल बहकर आया था। नदी की धारा कहीं अत्यधिक सक्रिय और तीव्र हो जाती थी, कहीं चट्टानों के ऊपर से बहती थी। काफी दुर्गम रास्ता था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहां किनारे पर एक अद्भुत दृश्य था। एक बड़े पेड़ पर योगी उल्टा लटका हुआ था और वहां जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जंजीरों की रगड़ से उसके शरीर पर कई गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से रक्त चू रहा था, जो नदी में गिरते ही रक्त वर्ण पुष्पों में बदल जाता था। कुछ दूरी पर ही कुछ साधु बैठे तपस्या में लीन थे। जब वे कुछ और फूल लेकर दरबार में वापस लौटे तो मंत्री ने राजा को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उसे समझाया कि उस उल्टे लटके योगी को राजा समझो और अन्य साधन नारद सन्यासी उसके दरबारी हुए। पूर्व जन्म के यह कर्म उन्हें राजा या दरबारी बनाता है। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में किसी को राजगद्दी मिलती है। 24वीं पुतली कर्णावती ने जो कहा कहीं वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वे अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसलिए वे भेष बदल कर रात में पूरे राज्य में आज किसी हिस्से में कल किसी और हिस्से में घूमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसलिए अपराध की घटनाएं छिटपुट ही हुआ करती थी। विक्रम चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए ताकि लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें तथा चैन की नींद सो सके। ऐसे ही विक्रम एक रात भेष बदल कर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता एक कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ऊपर की मंजिल तक गया होगा। यह
सोचकर वे कमंद के सहारे ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार हाथों में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सके। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी तो चोर कोई स्त्री है यह सोचकर वे उस कमरे की दीवार से सर कर खड़े हो गए जहाँ से आवाज आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला, वह लुटेरा अवश्य है मगर किसी निरपराधी व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी सुंदर सुदूर स्थान जाने के लिए कह रहा था और उसके विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी में दोनों आराम से बसर कर लेंगे। वह स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। राजा समझ गया कि पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका यह भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा था और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। राजा कमंद पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी था। उसे बता दिया कि उसके सामने विक्रम खड़े हैं। वहाँ आदमी डर के थर थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड न देने का वायदा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था, उसके विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरी सुखी भविष्य के सारे जो सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री टापुओं ने लूट लिया और लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए, हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही के कारण उन समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकरे खाने के बाद मुझे उनका पता चल ही गया। मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता तथा उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्रित किया था वहाँ लेकर अपने घर वापस चला आया। घर आकर मुझे पता चला एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया है और वह अपने पति के साथ चली गई है। मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन उसके मायके आने की खबर मुझे मिली तो मैं खुश हो गया। वह आकर मुझसे मिलने लगी और मैंने सारा वृत्तांत उसे बता दिया। एक दिन वह मुझसे मिली तो उसने कहा कि उसे मेरे पास बहुत सारा धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं नौलखा हार उसके गले में डाल दूँ। मैं नौलखा हार लेकर गया तब वह पति के पास चली गई थी। मैंने नौलखा हार लाकर उसे पति के घर में पहना दिया तो उसने अपने पति की हत्या करने को मुझे उकसाया। मैंने उसका कहना नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध की हत्या अपने हाथों से करना मैं भयानक पाप समझता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने के लिए उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया। उन्होंने उसे त्रिया चरित्र नहीं समझ पाने के लिए डांटा। उन्होंने कहा कि सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं उसके धन से नहीं। उसकी प्रेमिका ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की और संपन्न व्यक्ति से शादी कर दी। दोबारा उससे भेंट होने पर पति से द्रोह करने से नहीं हिचकिचाई। नौलखा हार प्राप्त कर लेने के बाद भी उसका विश्वास करके उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई। उल्टे उसके मना करने पर भी उससे निरपराध पति की हत्या करवाने को तैयार कर दी। ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने मृत्यु दंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी। दूसरे दिन रात को उस प्रेमिका भेज धर पे वे कमंद के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुंची। उनके पहुंचते ही उस स्त्री ने स्वर्णाभूषणों की बड़ी सी थैली उन्हें अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दिया और बोली कि उसने विष खिलाकर सेठ को मार दिया और सारे स्वर्णाभूषण और हीरे जवाहरात चुरा चुनकर इस थैली में भर लिए। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मोच नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पाकर चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे, वे दौड़ कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि वेश बदलकर आधा हुआ पुरुष खुद आया हुआ पुरुष खुद विक्रम थे।
उसने झट से विष की शीशी निकाली और विषपान कर दिया। 25वीं पुतली त्रिनेत्री नामक 25वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी कभी भेष बदल कर घुमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वे दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते हुए जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वे अपनी गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा खुश रहते थे तथा सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह पुश्तैनी पैसे से जो कमा कर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता है। बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई अन्य यत्न करना चाहिए। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी उसे भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई, इसलिए उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपत्ति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपत्ति संतान ही न रहते। सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। दिन बीतते गए और भाट को बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख नहीं देखा गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्याधिकारियों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उनका मनोरंजन किया तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वह सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में न जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई, उन्होंने सारा धन लूट लिया। अब तो भाट का विश्वास भगवान पर था और उसके पास बेटी के ब्याह के लिए धन नहीं था। वह जब लौट कर घर आया तो उसकी पत्नी को आशा थी कि वह ब्याह के लिए उचित धन लाया होगा। भाट की पत्नी को बताया कि उसके बार बार कहने पर वह विवाह के लिए धन अर्जित करने को कई प्रदेश गया और तरह तरह को लोगों से मिला। लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्र कर लाया, पर भगवान को उस धन से उसकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया और किसी तरह प्राण बचा कर वह वापस लौट आया। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा यह बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी निराश भरी खीस के साथ बोली, ईश्वर लगता है महाराज विक्रम को विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तभी महाराज उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने भाट की पत्नी की टिप्पणी पर फंस लिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पैसा अपना कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वहाँ पूजा पाठ करवा कर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मण को भी तब तक सब कुछ सामान्य दिख पड़ा जब तक कि उनकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई। बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाह कर भी नहीं कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को धुआं फिरा कर कहा भी, मगर किसी यजमान ने उसकी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली कि विवाह खर्च महाराज विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं, कन्यादान तो करना ही है। ब्राह्मण ने कहा वह महाराज के पास जरूर जाएगा, महाराज धन दान करेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी भी पत्नी के साथ पूरी बातचीत विक्रम ने सुन ली, क्योंकि उसी समय वे उसके घर के पास गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट था ब्राह्मण दोनों को दरबार में मिला। विक्रमादित्य ने अपने हाथों से भाट को 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी, फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ सौ मुद्राएं दिलवा दी। वे दोनों अति प्रसन्न हो वहाँ से विदा हो गए। जब वे चले गए तो दरबारी ने महाराज से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मण दोनों कन्या दान के लिए धन चाहते तो महाराज ने पक्षपात क्यों किया, भाट को 10,00,000 और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ सौ स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी। विक्रम ने जवाब दिया, भाट धन के लिए उनके आश्रय पर नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आस लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर अप्रत्याशित दान दिया है। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हैं वे भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य है, ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितना
जितने में विवाह अच्छी तरह संपन्न हो जाए। राजा का ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर सभी दरबारी मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा चुप हो गए। 26वीं पुतली मृगनयनी नामक 26वीं पुतली की ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य ने सिर्फ अपना राम राजकाज पूरे मनोयोग से चलाते थे, बल्कि त्याग दान वीरता दया वीरता इत्यादि अनेक श्रेष्ठ गुणों के धनी थे। वे किसी तपस्वी की भात अन्य जल का त्याग कर लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे। ऐसा कठोर तप कर सकते थे कि इंद्रासन डोल जाए। एक बार उनके दरबार में साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर उनके सैनिक लाए। वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि इस धन का वह मालिक होगा, इसलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर हो और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में हो। राजा ने जब उस युवक से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि यह धन उसके पास कैसे आया, तो उस युवक ने बताया कि वह एक धनाढ्य स्त्री के यहाँ नौकर है और सारा धन उसी स्त्री का दिया हुआ है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने उसे यहाँ धन क्यों दिया और वह धन लेकर कहाँ जा रहा था। इस पर वह युवक बोला कि अमुक जगह रुककर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा। दरअसल उस स्त्री ने के स्त्री के उससे अनैतिक संबंध और वह उससे पति की हत्या करके आकर मिलने वाली थी। दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन व्यतीत करते। विक्रम ने उसकी बातों की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पर पते पर अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। अब वह विलाप करके कह रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिंता सजवाई है और खुद पवित्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। सुबह सुबह युवक को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उस स्त्री के घर पहुंची तो दृश्य देखकर सचमुच चौंक गए। स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने वाली थी। राजा ने चिता को अग्नि देने वाले को रोक दिया था। उस स्त्री से चिता से उतरने कहा। उन्होंने सारा धन उसे दिखाया था। नौकर को आगे लाकर बोले कि सारी सच्चाई का पता उन्हें चल गया। उन्होंने उस स्त्री को त्रिया चरित्र का त्याग करने को कहा तथा राजदंड भुगतने को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। स्त्री कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत थी, मगर दूसरे ही पल बोली कि राजा उसके चरित्र पर उंगली उठाने के पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह बिजली से पूर्ति से चिता पर से कूद गई और उसमें आग लगाकर सती हो गई। कोई कुछ करता वह स्त्री जलकर राख हुई। राजा सिपाही सहित अपने महल वापस लौट आया। उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्हें सोता समझकर छोटी रानी उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। राजा भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। चलकर वह कुछ दूर पर धुनी रमाए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा तो उठ गया और उसे लेकर पास बने कुटिया के अंदर दोनों चले गए। विक्रम ने कुटिया में जो देखा वो उनके लिए असहनीय था। रानी निर्वस्त्र होकर उस साधु का आलिंगन करने लगी था। दोनों पति पत्नी की तरह बेझिझक संभोगरत हो गए। राजा ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते थे, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनका क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुसकर उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वे महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हमेशा बेचैन तथा खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया था। मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म की जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान उन्हें छोटी रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखाकर दंडित किया। यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और कुछ समुद्र तट पर तपस्या करने को चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आह्वान किया और उसकी साधना से प्रसन्न होकर जब समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने समुद्र देवता से एक छोटी सी मांग पूरी करने की विनती की। उन्होंने कहा कि उनके तट पर वे कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्विघ्न पूरा करने का उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। उन्हें एक शंख प्रदान किया। समुद्र देवता ने कहा कि जब भी कोई दैवी विपत्ति आएगी इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देव से उपहार लेकर विक्रम ने उन्हें धन्यवाद दिया था। प्रणाम कर समुद्र तट पर लौट आए। उन्होंने समुद्र तट पर कुटिया बनाई और साधना करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक इतनी कठिन साधना की कि देवलोक में हड़कंप मच गया। सारे देवता
बात करने लगे कि अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के इंद्रासन सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश की देर से बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में सचमुच सारा स्थान जलमग्न हो जाता और विक्रम कुटिया सहित जल में समा गए होते। लेकिन समुद्र के दिए हुए आशीर्वाद जो दिया था उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने पी लिया था। साधना स्थल पहले की भांति सूखा ही था। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। इतने भयानक से आंधी चली कि कुटिया तिनके तिनके होकर बिखर गई। सब कुछ हवा में रुई की भांति उड़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे। विक्रम के पाँव भी उखड़ते हुए मालूम पड़े। लगा कि आंधी उन्हें उधाड़ कर साधना स्थल से बहुत दूर फेंक देगी। विक्रम को समुद्री देव द्वारा दिया गया शंख याद आया। उन्होंने शंख को जोर से फूंका। शंख से बड़ी तीव्र ध्वनि निकली। शंख ध्वनि के साथ आंधी तूफान का पता नहीं रहा। वहाँ ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही नहीं थी। अब तो इंद्रदेव की चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें सोच नहीं रहा था कि विक्रम की साधना कैसे भंग की जाए। अब विक्रम की साधना को केवल अप्सराओं का आकर्षण ही भंग कर सकता था। उन्होंने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे जाकर विक्रम की साधना भंग करने को कहा। तिलोत्तमा अनुपम सुंदरी थी और उसका रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाण उसे घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तथा मनमोहक गायन वादन और नृत्य द्वारा विक्रम की साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी। मगर बैरागी विक्रम का क्या बिगाड़ पाती। विक्रम ने शंख को फूंक मारी और तिलोत्तमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आग की ज्वारा में लपटका हो। भयानक तप से वह उद्विग्न हो उठी तथा वहां से उसी क्षण अदृश्य हो गई। जब यह युक्ति भी कारगर नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह से डूब गया। उन्होंने खुद ब्राह्मण का वेश धरा और साधना स्थल आए। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं कीर्त करते हैं तथा सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास आए वे पहुंचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से भिक्षा देने का वह भिक्षा के रूप में उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। साधना फलदान क्या था, इंद्र को अभयदान मिल गया। उन्होंने प्रकट होकर विक्रम की महानता का उल्लंघन किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम के राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी। कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। सातवीं 27वीं पुतली मलयवती नाम की 27वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। विक्रमादित्य बड़े यशस्वी और प्रतापी राजा थे और राजकाज चलाने में उनका कोई मानी नहीं था। वीरता और विद्वता का अद्भुत संगम था। उनके शास्त्र ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वे राजकाज से बचा समय अक्सर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे और इसी ध्येय से उन्होंने राजमहल के एक हिस्से में विशाल पुस्तकालय बनवा रखा था। वे एक दिन एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उन्हें एक जगह राजा बलि का प्रसंग मिला। उन्होंने राजा बलि वाला सारा प्रसंग पढ़ा तो पता चला कि राजा बलि बड़े दानवीर और वचन के पक्के थे। वे इतने पराक्रमी और महान राजा थे कि इंद्र उनकी शक्ति से डर गए। देवताओं ने भी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि का कुछ उपाय करें, किंतु तो विष्णु ने वामन रूप धरा और वामन रूप धरकर उनसे सब कुछ दान में प्राप्त कर लिया और उन्हें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया। जब उनकी कथा विक्रम ने पढ़ी तो सोचा इतने बड़े दानवीर के दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तथा उनसे दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग पूछा जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने राजपाट और मोहमाया से अपने आप को अलग कर लिया तथा महामंत्री को राजभार सौंप कर जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया। जंगल में उन्होंने घोर तपस्या शुरू किया और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या बहुत लंबी थी। शुरू में वे केवल एक समय का भोजन करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वहाँ भी त्याग दिया तथा फल और कंदमूल खाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ त्याग दिया और केवल पानी पीकर तपस्या करते रहे। इतनी कठोर तपस्या से वे बहुत कमजोर हो गए और साधारणतः रूप से उठने बैठने में उन्हें काफ़ी मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे उनके तपस्या स्थल के पास और बहुत सारे तपस्वी आ गए। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा, कोई एक हाथ उठाकर, कोई कांटों को लेकर तपस्या लीन हो गया तो कोई गर्दन तक बालू में धंसकर। चारों ओर सिर्फ ईश्वर के नाम की चर्चा होने लगी और पवित्र वातावरण तैयार हो गया।
विक्रम ने कुछ समय बाद जल भी लेना छोड़ दिया और बिल्कुल निराहार तपस्या करने लगे। अब उनका शरीर और भी कमजोर हो गया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। कोई देखता तो दया आ जाती, मगर राजा विक्रमादित्य को कोई चिंता नहीं थी। विष्णु की आराधना करते करते यदि उनके प्राण भी निकल जाते हैं तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और यदि विष्णु के दर्शन हो जाते हैं तो दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। वे पूरी लगन से अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए तपस्या रत है। जीवन और शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य का हुलिया ऐसा हो गया था कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वो महाप्रतापी और सर्वश्रेष्ठ है। राजा के समीप की तपस्या करने वाले एक योगी ने उनसे पूछा कि वे इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। विक्रम का जवाब था, यह लोक से मुक्ति और परलोक सुधार के लिए। तपस्वी ने उन्हें कहा कि तपस्या राजाओं का काम नहीं, राजा को राजकाज के लिए ईश्वर द्वारा जन्म दिया जाता है और यही उसका कर्म है। अगर वह राजकाज से मुंह मोड़ता है तो अपने कर्म से मुंह मोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने बड़े ही गंभीर स्वर में उससे कहा कि कर्म करते हुए भी धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने जब उससे पूछा कि क्या शास्त्रों में किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख होने को कहा गया है, तो तपस्वी एकदम चुप हो गया। उनके तर्कपूर्ण उत्तर ने उसे आगे कुछ पूछने लायक नहीं छोड़ा। राजा ने अपनी तपस्या जारी रखी। अत्यधिक निर्बलता के कारण एक दिन राजा बेहोश हो गए और काफ़ी देर के बाद होश में आए। वह तपस्वी एक बार फिर उनके पास आया और उनसे तपस्या छोड़ देने को बोला। उनसे कहा कि चूंकि राजा गृहस्थ है इसलिए तपस्वियों की बात उन्हें तप नहीं करना चाहिए, गृहस्थ को एक सीमा के भीतर ही रहकर तपस्या करनी चाहिए। जब उसने राजा को बार बार गृहस्थ धर्म की याद दिलाया और गृहस्थ कर्म के लिए प्रेरित किया तो राजा ने कहा कि वे मन की शांति के लिए तपस्या करें। तपस्वी कुछ नहीं बोला और वे फिर तपस्या करने लगे। कमजोरी तो थी, एक बार फिर वे अचेत हो गए। जब कई घंटों बाद वे होश आए तो उन्होंने पाया कि उनका असर भगवान विष्णु की गोद में है। उन्होंने भगवान विष्णु को देखकर पता चल गया कि तपस्या से रोकने वाला तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही थे। विक्रम ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा वे क्यों इतना कठोर तप कर रहे हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट का रास्ता पता करना है। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख देकर कहा, समुद्र के बीचों बीच पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस शंख को समुद्र तक तट पर फूकने के बाद उन्हें समुद्र देव के दर्शन होंगे और वहीं उन्हें राजा बलि तक पहुंचने का मार्ग बतलाएंगे। शंख देकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए और विष्णु के दर्शन के बाद विक्रम ने फिर से तपस्या के पहले वाला स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया और वैसी ही असीम शक्ति प्राप्त कर ली। शंख लेकर वे समुद्र के पास आए और पूरी शक्ति से शंख फूकने लगे। समुद्र देव उपस्थित हुए और समुद्र का पानी दो भागों में विभक्त हो गया। समुद्र के बीचों बीच अब भूमि मार्ग दिखाई देने लगा। उस मार्ग पर राजा आगे बढ़ते रहे। काफी चलने के बाद वे पाताल लोक पहुंच गए। जब वे राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। विक्रम ने उन्हें बताया कि राजा बलि के दर्शन के लिए मृत्यु लोक के यहाँ आए हैं। एक सैनिक उनका संदेश लेकर गया और काफी देर बाद उनसे आकर बोला कि राजा बलि अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने बार बार राजा से मिलने का अनुरोध किया पर राजा बलि तैयार नहीं हुए। राजा ने खिन्न और हताश होकर अपनी तलवार से अपना सर काट लिया। जब प्रहरियों ने यह खबर राजा बलि को दी तो उन्होंने अमृत डलवाकर विक्रम को जीवित करवा दिया। जीवित होते ही विक्रम ने फिर राजा बलि के दर्शन की इच्छा जताई। इस बार प्रहरी संदेश लेकर लौटा कि राजा बलि उनसे महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम को लगा कि बलि ने सिर्फ टालने के लिए संदेश भेजा है। उनके दिल पर चोट लगी और उन्होंने फिर तलवार से अपनी गर्दन काट ली। प्रहरियों में खलबली मच गई और उन्होंने राजा बलि तक विक्रम के बलिदान की खबर पहुंचाई। राजा बलि समझ गया कि वह व्यक्ति दृढ़ निश्चय और बिना भेंट किए जाने वाला नहीं है। उन्होंने फिर नौकरों द्वारा अमृत भिजवाया और उनके लिए संदेश भिजवाया कि भेंट करने के लिए राजी हैं। नौकरों ने अमृत छिड़क कर उनके जीवित किया तथा महल में चलकर बलि से भेंट करने को कहा। जब वे राजा बलि से मिले तो राजा बलि ने उनसे इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। विक्रम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में उनके बारे में बहुत कुछ वर्णित है, दान की दान वीरता और त्याग की चर्चा सर्वत्र होती है, इसलिए वे उनसे मिलने को उत्सुक थे। राजा बलि उनसे बहुत प्रसन्न हुए तथा विक्रम को एक लाल मूंगा उपहार में दिया और बोले कि वह मूंगा मांगने पर हर वस्तु दे सकता है, मूंगे के बल पर हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। विक्रम राजा बलि से विदा लेकर प्रसन्नचित होकर मृत्यु लोक की ओर लौट चले। पाताल लोक के प्रवेश द्वार के बाहर फिर वही अनंत गहराई वाला समुद्र बह रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु का दिया हुआ शंख फूका तो समुद्र फिर से दो भागों में बढ़ गया और उसके बीचों बीच वही भूमि वाला मार्ग प्रकट हो गया। उस मार्ग पर चलकर वे समुद्र तट तक पहुंच गए। वह मार्ग गायब हो गया था। समुद्र फिर पूर्ववत
होकर बहने लगा। वे अपने राज की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक स्त्री विलाप करती मिली। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे विषाद के भाव थे। पास आने पर पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और अब वह बिल्कुल बेसहारा है। विक्रम का दिल उसके दुख को देखकर पसीस गया था। उन्होंने उसे सांत्वना दी कि बलि वाले मुंगे से उसके लिए जीवन दान मांगा। उनका बोलना था कि उस विधवा का मृत पति ऐसे उठकर बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। स्त्री के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। 28वीं पुतली वैदेही ने अपनी कथा इस प्रकार कही। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में घर निद्रा में लीन थे। उन्होंने एक सपना देखा। एक स्वर्ण महल है जिसमें रत्न मणिक इत्यादि जड़े हैं। महल में बड़े बड़े कमरे हैं जिसमें सजावट की अलौकिक चीज़ें हैं। महल के चारों ओर उद्यान हैं और उद्यान में हजारों तरह के सुंदर सुंदर फूलों से लदे पौधे हैं। उन फूलों पर तरह तरह की तितलियाँ मंडरा रही हैं और भौरों का गुंजन पूरे उद्यान में व्याप्त है। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है और सारा दृश्य बड़ा ही मनोरम है। स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है और महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधनारत। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रम को वह अपना हम सकल मालूम पड़ा। यह सब देखते देखते ही विक्रम की आंखें खुल गए। वे समझ गए कि उन्होंने कोई अच्छा सपना देखा है। जागने के बाद भी सपने में दिखी हर चीज़ उन्हें स्पष्ट याद थी। उन्हें अपने सपने का मतलब समझ में नहीं आया। सारा दृश्य अलौकिक अवश्य था मगर मन की उपज नहीं माना जा सकता। राजा ने बहुत सोचा पर उन्हें याद नहीं आया कि कभी अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई महल देखा हो चाहे इस तरह की किसी महल की कल्पना की हो। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषों से अपने सपने की चर्चा की और उन्हें इसकी व्याख्या करने को। सारे विद्वान और पंडित इस नतीजे पहुँचे कि महाराजा धीराज ने सपने में स्वर्ग का दर्शन किया है तथा सपने का अलौकिक महल स्वर्ग के राजा इंद्र का महल है। देवता शायद उन्हें वहाँ महल दिखाकर उन्हें सशरीर स्वर्ग आने का निमंत्रण दे चुके हैं। विक्रम यह सुनकर बड़े आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें स्वर्ग आने का इस तरह निमंत्रण मिलेगा। वे पंडितों से पूछने लगे कि स्वर्ग जाने का कौन सा मार्ग हो तथा स्वर्ग यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकती है। काफ़ी मंथन के बाद सारे विद्वानों उन्होंने वहाँ दिशा बताई जिधर से स्वर्गारोहण हो सकता था तथा उन्हें बतलाया गया कोई पुण्य आत्मा जो सतत भगवान का स्मरण करता है तथा धर्म के पद से विचलित नहीं होता वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है। राजा ने कहा कि राजपाट चलाने के लिए जानबूझकर नहीं तो भूल से ही अवश्य कोई धर्म विरुद्ध आचरण उनसे हुआ होगा। इसके अलावा कभी कभी राज की समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें भगवान का स्मरण नहीं रहता है। इस पर सभी ने एक स्वर से कहा यदि वे इस योग्य नहीं होते तो उन्हें स्वर्ग का दर्शन नहीं हुआ होता। सबकी सलाह पर उन्होंने राजपुरोहित को अपने साथ लिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। पंडितों के कथनानुसार उन्हें यात्रा के दौरान दो पुण्य कर्म भी करने थे। एक यह यात्रा लंबी और कठिन थी। विक्रम ने अपना राशि भेष त्याग दिया और अनंत साधारण कपड़ों में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नगर में रात में विश्राम कर के लिए रुक गए। जहाँ रुके थे वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उसके माथे पर चिंता की लकीर उभरी हुई थी तथा गला रोते रोते रूधा जा रहा था। विक्रम ने द्रवित होकर उससे उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका एकमात्र जवान बेटा सुबह ही जंगल गया था लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। विक्रम ने जानना चाहा कि वह जंगल किस प्रयोजन से गया था। बूढ़ी औरत ने बताया उसका बेटा रोज सुबह में जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाने जाता था और लकड़ियाँ लाकर नगर में बेचता था। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसा मिलता था उसी से उनका गुजारा होता है। विक्रम ने कहा कि अब तक वह नहीं आया है तो आया जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा जंगल बहुत घना है और नरभक्षी जानवरों से भरा पड़ा है। उसे शंका है कहीं किसी हिंसक जानवर ने उसे अपना ग्रास न बना लिया हो। उसने यह भी बताया कि शाम से वहाँ बहुत सारे लोगों से विनती कर चुकी है कि उसके बेटे का पता लगा लेकिन कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी व्यवस्था दिखाई कि वह बूढ़ी और निर्बल है इसलिए खुद जाकर पता नहीं कर सकती। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे जाकर उसे ढूंढेंगे। उन्होंने विश्राम का विचार त्याग दिया और तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा कि जंगल सचमुच बहुत घना है। वे चौकन्ने होकर थोड़ी दूर आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर दुबका बैठा है और नीचे एक शेर घात लगाए बैठा है। विक्रम ने कोई उपाय ढूंढकर शेर को वहाँ से भगा दिया और उस युवक को लेकर नगर लौट आए। बुढ़िया ने बेटे को देखकर विलाप करना छोड़ दिया और विक्रम को ढेरों आशीर्वाद दिया। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य का काम किया। रात भर विश्राम करने के बाद उन्होंने सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते वे समुद्र तट पर आए तो उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। स्त्री को रोते देख वे उसके पास आए तो देखा कि एक मालवाहक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे हैं। उन्होंने उस स्त्री से
उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बस 3 महीने पहले उसका विवाह हुआ है और वह गर्भवती है। उसका पति इसी जहाज का कर्मचारी तथा जहाज का माल लेकर दूर देश जा रहा है। विक्रम ने जब उसे कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, कोई बात नहीं है, और कुछ ही समय में उसका पति वापस लौट आएगा, तो उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और ही बताया। उसने बताया कि उसने कल सपने में देखा है कि यहाँ एक मालवाहक जहाज समुद्र के बीच में ही और भयानक तूफान से गिर जाता है। तूफान इतना तेज है कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस पर सारे सवार समुद्र में डूब जाते हैं। वह सोच रही थी कि अगर वह सपना सच निकला तो उसका क्या होगा, खुद तो किसी प्रकार जी भी लेगी मगर उसके होने वाले बच्चे की परवरिश कैसी होगी। विक्रम को उस पर तरस आ गया और उन्होंने समुद्र देवता द्वारा प्रदत्त शंख उसे देते हुए कहा यह अपने पति को दे दे, जब भी तूफान या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा आए तो इसे फूंक देगा, उसे फूंक मारते ही सारी विपत्ति हट जाएगी। औरत को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वह संकालु दृष्टि से उन्हें देखने लगी। विक्रम ने उसके चेहरे का भाव पढ़कर शंख की फूंक मारी, शंख की ध्वनि हुई और समुद्र का पानी कोसों दूर चला गया। उस पानी के साथ वह जहाज और उस पर सारे कर्मचारी भी कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र तट फैलाना नजर आता था। वहाँ स्त्री और कुछ अन्य लोग वहाँ जो वहाँ थे हैरान रह गए, उनकी आंखें फटी रह गई। जब विक्रम ने दोबारा शंख पूछा तो फूका तो समुद्र का पानी फिर से वहाँ लुढ़ने मार लगा। समुद्र के पानी के साथ वह जहाज भी कर्मचारियों सहित वापस आ गया। अब युवती को उस शंख की चमत्कारी शक्ति के प्रति कोई शंका नहीं रही। उसने विक्रम से वह शंख लेकर अपनी कृतज्ञता जाहिर की। विक्रम उस स्त्री को शंख देकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। आकाश में काली घटाएं छा गई थी, बिजलियां चमकने लगी, बादल के गर्जन से समूचा वातावरण हिलता प्रतीत होता था। उन बिजलियों के चमक के बीच विक्रम को सफ़ेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता दिखाई पड़ा। विक्रम ने ध्यान से उसकी ओर देखा, तभी आकाशवाणी, महाराज विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा शायद ही कोई हो। तुमने रास्ते में 2 पुण्य किए, एक बूढ़ी औरत को चिंता मुक्त किया और एक स्त्री को शंख दूर करने के लिए वह अनमोल शंख दे दिया जो समुद्र देव ने तुम्हें तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर उपहार दिया था। तुम्हें लेने के लिए घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुँचा देगा। विक्रम ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राजपुरोहित भी हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। इतना सुनना थे कि राजपुरोहित ने कहा, राजन मुझे क्षमा करें, सशरीर स्वर्ग जाने से मैं डरता हूँ, आपका सानिध्य रहा तो मरने पर स्वर्ग आऊँगा और अपने को धन समझूंगा। घोड़ा उनके पास उतरा तो सवारी के लिए सब कुछ से लैस था। राजपुरोहित से विदा लेकर विक्रम उस पर बैठ गए। एड़ लगाते ही घोड़ा तेजी से भागा और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच कर उसने धरती छोड़ दिया और हवा में दौड़ने लगा। यह घुड़सवारी अब तक अप्राकृतिक थी, इसलिए काफ़ी कठिन थी, मगर विक्रम पूरी दृढ़ता से उस पर बैठे रहे। हवा में कुछ देर उड़ने के बाद वह घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह इंद्रपुरी आया। इंद्रपुरी पहुँचते ही विक्रम को वहीं सपनों वाला महल सोने का महल दिखाई पड़ा जैसा उन्होंने सपने में देखा था। ठीक वैसा ही सब कुछ था। चलते चलते हुए इंद्र सभा पहुँचे। इंद्र सभा में सारे देवता विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्रदेव पत्नी के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं की सभा में विक्रम को देखकर खलबली मच गई। वे सभी एक मानव से इसके सशरीर स्वर्ग आने पर आश्चर्यचकित थे। विक्रम को देखकर इंद्र खुद उनकी आगवानी करने आ गए और उन्हें अपने आसन पर बैठने को कहा। विक्रम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस आसन के योग्य वे नहीं है। इंद्र उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि विक्रम ने सपने में अवश्य एक योगी को इस महल में देखा होगा, उनका वह हम शक्ल और कोई नहीं बल्कि वे खुद हैं। उन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि इंद्र के महल में उन्हें स्थायी स्थान मिल चुका है। इंद्र ने उन्हें एक मुकुट उपहार में दे दिया। इंद्रलोक में कुछ दिन बिताकर मुकुट लेकर विक्रम अपने राज्य वापस आ गए। 29वीं पुतली मानवती। मानवती ने इस प्रकार कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य वेश बदल कर रात में घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच गए। चांदनी रात में नदी का जल चमकता हुआ बड़ा ही प्यारा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। विक्रम चुपचाप नदी तट पर खड़े थे, तभी उनके कानों में बचाओ बचाओ की तेज आवाज़
पड़ी। वे आवाज की दिशा में दौड़े तो उन्हें नदी की वेगवती धारा से जूझते हुए दो आदमी दिखाई पड़े। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि एक युवक और एक युवती तैरकर किनारे आने की चेष्टा में, मगर नदी की धाराएं वह उन्हें बहाकर ले जाती हैं। विक्रम ने बड़ी फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह अत्यंत रूपसी थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसके पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। नदी के बीच में वे भौर को नहीं देख सके और उनकी नौका भौर में जा फंसी। भौर से निकलने की उन लोगों ने लाख कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। उनके परिवार के सारे सदस्य उस भौर में समा गए, लेकिन वे दोनों किसी तरह यहाँ तक तैर कर आने में कामयाब हो गए। राजा ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें सकुशल अपने देश भेज दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने कहा और अपने महल की ओर चल पड़े। राजमहल के नज़दीक जब पहुंचे तो विक्रम को प्रहरियों ने पहचान कर प्रणाम किया। युवक युवती को तब जाकर मालूम पड़ा कि उन्हें अपने प्राणों की परवाह किए बिना बचाने वाला आदमी स्वयं महाराजा धीराज थे। अब तो वे और कृतज्ञता के भारी सभ्यता के भारी नज़रों से महाराज को देखने लगे। महल में पहुंचकर उन्होंने नौकर चाकरों को बुलाया तथा सारी सुविधाओं के साथ उन्हें उनके ठहरने का इंतजाम करने का निर्देश दिया। अब तो दोनों का मन महाराज के प्रति और अधिक आदर भाव से भर गया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफ़ी चिंतित था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो जाए, मगर उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जब संयोग से राजा विक्रमादित्य से उसकी भेंट हो गई तो उसने सोचा क्यों ना विक्रम को उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। यह विचार आते उसने अपनी बहन को ठीक से तैयार होने के उपाय था उसे साथ लेकर राजमहल उनसे मिलने चल पड़ा। उसकी बहन जब सज धज कर निकली तो उसका रूप देखने लायक था। उसके रूप पर देवता भी मोहित हो जाते, मनुष्य की कोई बात ही नहीं थी। जब वह राजमहल में आया तो विक्रम ने उससे उसका हाल चाल पूछा। उसका कहा कि उसके जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। उसने राजा की कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने जो उपकार उस पर किया है उसे आजीवन वह नहीं भूलेगा। उसके बाद उसने विक्रम से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करने कहा। राजा ने मुस्कुराकर अपनी अनुमति दे दी। राजा को प्रसन्न देखकर उसने सोचा कि वे उसकी बहन पर मोहित हो गए हैं। उसका हौसला बढ़ गया। उसने कहा कि वह अपनी बहन उनको उपहार देना चाहता है। विक्रम ने कहा कि उसका उपहार उन्हें स्वीकार है। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि विक्रम उसकी बहन को रानी बना लेंगे। तभी राजा ने कहा आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी तथा उसका विवाह वह कोई योग्य वर ढूंढ कर पूरे धूमधाम से करें। वहाँ विक्रम का मुँह ताकता रह गया। उसे सपने में भी नहीं भान था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा कर विक्रम उसे बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या कोई ऐश्वर्यशाली राजा विषय वासना से इतना ऊपर रह सकता है? थोड़ी देर बाद उसने संयत होकर कहा उदयगिरी का राजकुमार उदयन उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित था। उसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त कर चुका है। राजा ने एक पंडित को बुलवाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राजा का विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा। पंडित उसी समय लौट आया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूछने पर उसने बताया कि राजा में राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर सब कुछ लूट लिया। सुनकर राजा स्तब्ध हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए। इस बार उन्हें पंडित को कुछ अश्वाही रहियों के साथ धन लेकर भेजा। उसी रात विक्रम भेष बदलकर उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे निर्जन स्थान पहुंचे जहां पंडित को लूटा गया था। एक तरफ उन्हें चार आदमी बैठे दिखाए। राजा समझ गया कि वे लुटेरे हैं। विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उनसे भयभीत नहीं होने के कहा और अपने आप को भी उनकी तरह एक चोर ही बताया। इस पर उन्होंने कहा कि वे चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श करने के लिए एकांत की खोज में यहाँ पहुँचे हैं। राजा ने उनसे बहाना न बनाने के लिए कहा और उन्हें अपने दल में शामिल कर लेने को कहा। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों में चार अलग अलग खूबियाँ। एक चोर का सुमुहूर्त निकालता है, दूसरा परिंदे जानवरों की जबान समझता है, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता है, चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता है। विक्रम ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा मैं कहीं छिपाया धन देख सकता हूँ। जब उन्होंने यह विशेषता सुनी तो विक्रम को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद
उन्होंने अपने ही महल में एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर सारे खजाने का कुछ माल छिपा था और वे चोरों को वहाँ लेकर आए। तो चारों चोर बड़े खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी सारा माल झोले में डाला और बाहर निकलने लगे। चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह में जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर के पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने अपने पांचवें साथी को सिंहासन पर आरूढ़ देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने अभयदान देकर उन्होंने उनसे अपराध न करने का वचन लिया और अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने के लिए आदेश दिया। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता को स्वीकार कर लिया और भले आदमी की तरह जीवन यापन करने का फैसला किया। राजा ने उन्हें सेना में बहाल कर दिया। उदयन ने भी राजा विक्रम की मोहबोली बहन से शादी का प्रस्ताव प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में विक्रम ने उसी धूमधाम से उसकी शादी उदयन के साथ कर दी, जिस तरह किसी राजकुमारी की होती है। तीसवीं पुतली जयलक्ष्मी ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य जितने बड़ा राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप से जान लिया कि वे अब अधिक से अधिक 6 महीने जी सकते हैं। अपनी मृत्यु को आसान समझकर उन्होंने वन में कुटिया बनवा ली तथा राजकाज पे बचा हुआ समय साधना में बिताने लगे। एक दिन राजमहल से कुटिया की तरफ आ रहे थे कि उनकी नज़र एक मृग पर पड़ी। मृग अद्भुत थी और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर दूसरा हाथ तरकस में डाला ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रम को उस मृग को मनुष्य की तरफ बोलते हुए देखा बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हाथ स्वतः थम गया। विक्रम ने उस मृग से पूछा कि वह मनुष्य की तरह कैसे बोल लेता है तो वह बोला कि यह सब उनके दर्शन के प्रभाव से हुआ। विक्रम की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग को पूछा ऐसा क्यों हुआ तो उसने बताना शुरू किया। मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ, मेरा जन्म मानव कुल में एक राजा के यहाँ हुआ था। अन्य राजकुमारों की बात मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़ों पर बहुत अधिक दूर तक घने जंगल में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज़ को लक्ष्य करके एक बाण चलाया। दरअसल वह आवाज़ एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर उसे तो नहीं लगा पर उसकी कनपटी को छूता हुआ पूरे वेग से एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक पहुंचा तो पता चला कि मुझसे कैसा अनिष्ट होने से बच गया है। योगी की साधना में व्यर्थ पड़ा इसलिए वह काफ़ी क्रुद्ध हो गया। उसने जब मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो समझ गया कि वह बाण मैंने चलाया था। उसने लाल आंखों से घूरते हुए मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा ओ मृग शिकार पसंद करने वाले मूर्ख युवक, आज से खुद मृग बन जा, आज के बाद से आखेड़ से अपने प्राणों की रक्षा करता रहा। उसने श्राप इतना जल्दी दे दिया कि मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दिया। श्राप की कल्पना से ही मैं भय से ठहर उठा। मैं योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा उससे श्राप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। मैंने रो रो कर उससे कहा कि उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और यह सब अनजाने में मुझसे हो गया। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देकर उस योगी को दया आ गई। उसने मुझसे कहा कि श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता लेकिन वह उस श्राप के प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता है। मैंने कहा कि जितना अधिक संभव हो उतना वह श्राप का प्रभाव कम कर दे। तो उसने कहा तुम मृग बनकर तब तक भटकोगे जब तक महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाएंगे। विक्रमादित्य के दर्शन से ही तुम मनुष्य की भाषा बोलना शुरू कर दोगे। विक्रम को जब जिज्ञासा हुई तो मनुष्य की भाषा बोल तो रहा मगर मनुष्य परिवर्तित नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा तो हमें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी, कब तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करोगे। श्रापित राजकुमार बोला इससे भी मुझे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। उस योगी की कथनानुसार मैं अगर आपको सांस लेकर उनके पास जाऊं तो मेरा वास्तविक रूप मुझे तुरंत वापस मिल जाएगा। विक्रम खुश थे, उनके हाथ में शापग्रस्त राजकुमार की हत्या नहीं हुई अन्यथा उन्हें अपराध मनुष्य की हत्या का पाप लग जाता। वे ग्लानित था, पश्चाताप की आग में जल रहे होते। उन्होंने मृग रूप राजकुमार से पूछा क्या तुम्हें उस योगी के निशान के बारे में कुछ पता है, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चल सकते हो। उस राजकुमार ने कहा हाँ, आपको उस कुटिया तक अभी लिए चलता हूँ। संयोग से वह योगी अभी भी इसी जंगल में थोड़ी दूर पर साधना कर रहा है।
वो अमरीक आगे आगे चला और विक्रम उसका अनुसरण करते करते चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता एक योगी दिखा। उनकी समझ में आ गया कि राजकुमार इस योगी की बात कर रहा था। वे जब समीप आए तो वह योगी उन्हें देखते ही वृक्ष से उतर कर सीधा खड़ा हो गया। उसने विक्रम का अभिवादन किया था। दर्शन देने के लिए उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। विक्रम समझ गया कि वह योगी उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि वह उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। पूछने पर उसने उन्हें बताया कि सपने में एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवताओं का सार स्थान प्राप्त कर लिया था। उनके दर्शन प्राप्त करने वाले को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मैं तो इतनी कठिन साधना सिर्फ आपके दर्शन का लाभ पाने के लिए कर रहा था, उस योगी ने कहा। विक्रम ने पूछा कि अब तो उनके दर्शन प्राप्त कर लिया, क्या उनसे वह कुछ और सहायता चाहता है? इस पर योगी ने उनसे उनके गले पड़ी इंद्रदेव की मूंगे वाली माला मांग ली। राजा ने खुशी खुशी वह माला उसे दे दी। योगी उनका आभार पकड़ किया था कि श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। उसने पहले विक्रम के फिर उस योगी के पांव छुए। राजकुमार को लेकर विक्रम अपने महल आया। दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठा उसके राज चल दिए, मगर उसके राज में प्रवेश करते ही सैनिकों की टुकड़ी ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया तथा राज में प्रवेश करने का उनका प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और रास्ता छोड़ने का। उसने जानना चाहा कि उसका रथ रोकने की सैनिकों की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने उसे बताया कि उसके माता पिता को बंदी बनाकर कारगर में डाल दिया गया और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। क्योंकि राज्य पर अधिकार करते वक्त राजकुमार का कुछ पता नहीं चला, इसलिए चारों तरफ गुप्तचर उसकी तलाश में फैला दिए गए हैं। अब उसके खुद हाजिर होने से नए शासक का मार्ग और प्रशस्त हो गया है। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनका एक संदेश नए शासक तक भेजा जाए। उन्होंने उस टुकड़ी के नायक को कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो असली राजा और रानी को उनका राज सौंप कर चला जाए या युद्ध की तैयारी करे। उस सेना नायक को बड़ा अजीब लगा। उसने विक्रम का उपहास करते हुए पूछा कि युद्ध कौन करेगा, क्या वही दोनों युद्ध करेंगे? उसको उपहास करते देख कर उनका क्रोध सातवें आसमान पहुँच गया। उन्होंने तलवार निकाली, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए शासक को कवर की, वह तुरंत सेना लेकर उनकी ओर दौड़ा। विक्रम इस हमले के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया था। बेतालों ने उनका आदेश पाकर रथ को हवा में उठा दिया। उन्होंने वहाँ तिलक लगाया जिससे अदृश्य हो सकते थे और रथ से कूद गए। अदृश्य रहकर उन्होंने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आए तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़कर अधिकांश सैनिक रणक्षेत्र से बाहर खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक वह आश्चर्यचकित और भयभीत था, हताश भी दिख रहा था। उसे हतप्रभ देख कर विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा अपनी वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने उस शासक से अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो वह इसी क्षण या राज छोड़कर भाग जाए या प्राणदंड के लिए तैयार हो जाए। वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था, उनका शौर्य आंखों से देख चुका था। वह उसी क्षण उस राज्य से भाग गया। वास्तविक राजा रानी को उनका राज वापस दिलाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक मृग उनसे उनके पास आया था। एक सिंह के से अपने को बचाने को बोला, मगर महाराज विक्रमादित्य ने उसकी मदद नहीं की। भगवान के बनाए नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। सिंह भूखा था और मृग जानवर जो उसकी क्षुधा शांत कर सकते थे। सोचते उन्होंने सिंह को मृग का शिकार करने दिया। 21वीं पुतली कौशल्या ने अपनी कथा इस प्रकार कही। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे तथा अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब काफ़ी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्य दोनों में अपने को लगाए रहते थे। उन्होंने वन में ही साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ी से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले गए और उनसे बोले कि वे इसके आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का
घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उसका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। उन्हें देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। एकाएक कहीं चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भर स्वर सुनाई पड़ा। वह अग्निपिंड सरक कर पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रम अंदर घुसे तो वहीं आवाज़ उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वहाँ आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कक्ष में पहुँच चुके थे और उन्होंने देखा कि योगी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जब उसे बताया कि वे विक्रमादित्य हैं तो योगी ने अपने को भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उसे नहीं थी। योगी ने उनका खूब आदर सत्कार किया था। विक्रम से कुछ मांगने को बोला। राजा विक्रमादित्य ने उससे तमाम सुविधाओं सहित वहाँ भवन मांग लिया। विक्रम को वहाँ भवन सौंप कर योगी उस वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। उसके गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण चाहा। वह बोला कि भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। उसके गुरु को हंसी आ गई। उसने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को वह क्या दान करेगा। और उसने उसे विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने का और वेश बदल कर उस कुटिया में विक्रम से मिला जिसमें वे साधना करते थे। उसने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उसे अपनी इच्छित जगह मांगने को कहा तो उसने वह भवन मांगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर वे उसी समय आ गए थे। उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे वह भवन लिया था। इस कथा के बाद 31वीं पुतली ने अपनी कथा खत्म नहीं की और बोली, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुरु वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, वे थे तो मानव मृत्यु लोक में जन्म लिया। इसलिए एक दिन उन्होंने यह लीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी सभी रानियां और चिता पर सती होने को चढ़ गई। उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी। उनके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित किया गया। उसका धूमधाम से तिलक हुआ मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ पाया। वह उलझन में पड़ा था। एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आया। उन्होंने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पूर्ण प्रताप का यश से उस सिंहासन पर बैठने लायक होगा तो वे खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। मगर विक्रम उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सुझा कि सिंहासन का किया क्या जाए। पंडित और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम सपने में आए। सपने में उन्होंने उसे उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा या सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह में मजदूरों को बुलाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया था। उस सिंहासन को उसमें दबवा दिया। वह खुद अम्बावती को नई राजधानी बनवाकर शासन करने लगा। 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते देखा तो उसे अचरज हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषता एक मनुष्य में संभव है और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा कि सिंहासन को फिर वैसे उस स्थान में गड़वा देंगे जहाँ से इसे निकलवाया गया है। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुत्री अपनी रानी के पास आ गई। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उसके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे मुक्त हो गए हैं, आज से सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी। धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गई।
पलक झपकते ही सारी सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गई। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज के ने कर्मचारी को बुलाया था, गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोद डाला गया तो वेद मंत्र का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया गया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले देता था, लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने टीले में था। उपसंहार। कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबवाने के बाद क्या गुजरा यह वर्णित है। आधिकारिक संस्कृत संस्करण में यह उपहार रूपी कथा नहीं भी मिल सकती है, मगर जनसाधारण में काफ़ी प्रचलित है। कई साल बीत गए, वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों में जो लोग उसे देखने आते थे, सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुण वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकाल कर उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच देना चाहते थे। उन्होंने टीले से मिलो पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुंचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़ों के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारियां निकलती थी कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन पर इतने सारे बहुमूल्य रत्न माड़ी के जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह से सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगी कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुँचती। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आँखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए और सोचते इस नतीजे पहुंच गए कि सिंहासन भूता है। भूता होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा, महल में इसे रखकर जरूर ही उन्हें कोई परेशानी हो गई। तभी उन्होंने इसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबा दिया है। वे इसका मोह राजा भोज की तरह त्यागने की सोच रहे, तभी उनका मुखिया बोला, सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट दिया और उसे उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुंचे। वहां किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जौहरियों का भेष धर के उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने सिंहासन की शुद्धता की जांच की अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जौहरियों से करवाई। सब ने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुहमांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़ी हीरों और माणिकों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडित से करवाई और सिंहासन पर नित्य बैठने लगा। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने सिंहासन चुरा लिया है। अब उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुण वाला है। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचे तो उस राज्य से मिलने उसके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया था, उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बतलाया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन में बैठने में कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विमर्श किया तो इस निष्कर्ष पहुंचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न और माणिक कांच के
टुकड़े मात्र हूँ। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि असंभव, चोरों ने उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई। लेकिन जब जौहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य, सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल का हो गया था। रत्नरानी माणिक की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषी और पंडितों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्हें काफ़ी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अमृत हो गया है, इसे पवित्र कर दिया गया, अपवित्र कर दिया गया और इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा कि अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, जेल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारी को बुलाया था। मजदूर बुलाकर मंत्रोच्चार के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाएं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य के सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों का विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की किसी खूबी वाला अगर कोई शासक हो तो वहाँ सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। इसी के साथ सिंहासन बत्तीसी की कहानी खत्म हुई। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।